जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नवा छत्तीसगढ़ गढ़े बर, छत्तीसगढ़ ला पढ़े बर एनएफए नेट क्लास में आप सब मन के स्वागत है। आज के विषय में बात करे से पहली, जम्मू जनमानस ला छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ हमारे राज्य के चिन्ह और चिन्हारी से संबंधित कुछ तथ्य। का चिन्ह है हमारे राज्य के, अभी प्रतीक चिन्ह, प्रतीक वाक्य का हो है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी के बारे में देखब, हमारे राज्य के जन मानचित्र है ओकर आकृति काखर जैसन दिखाई देते, राजकीय गीत का हो है, काखर द्वारा लिखे गए है, ये जम्मो चर्चा ला मैं आप मन के साथ करने वाला हूँ। आप सब जिन आज मोर वीडियो ला देखा था पहली बार, एकर पहली भी मैं तीन वीडियो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के विषय में बनाए हुए हूँ। आज ये चौथा वीडियो है मोर, संभाग में, जिला में और राज्य गठन के क्रम में मैं वीडियो बनाए हूँ। आज प्रतीक चिन्ह में वीडियो देखा था, आप सब जो है वो वीडियो यही तरीक़ा से बनत रहे ओखर भर, बस वीडियो का जो है वो लाइक करे ला मत भूला, पहली ले देखे ले पहली ही, अगर हो सके तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दे, देखे के बाद तो करबे करिया, बिना करे नहीं जा सका, यह गारंटी हवे। तो सबले पहली मैं देख बताता हूँ आप मन ला, हमन प्रतीक चिन्ह का देखता छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो आप मन ला अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य के नाम का ही हमन पहली लेथन, तो नाम का लेके बहुत सारा अलग अलग वाक्य कहे गए, बात कहे गए, वही क्रम में एक कहे गए कि 36 ठो गढ़ के बात करे गए। तो जब ये प्रतीक चिन्ह ला तैयार करेगी तो प्रतीक चिन्ह में ओकर विकास और समृद्धि का बताते हुए राज्य के हमन सबसे पहले जिन गोलाकार आकृति में देखथन हरा कलर में जिन दिखाए जाते वो हमार का होते, तो 36 ठो गढ़ होते। तो 36 ठो गढ़ के बीच में हमार पूरा राज्य जो है वो काहे सुरक्षित है, तो अदम्य आकांक्षा का दर्शाने वाला हमार राज्य जेमा 36 ठो गढ़ से घिरे हुए है ये राज्य है, ये बताए गए। सबसे पहला जो है हरा रंग में जो है बताए गए। दूसरा अगर हम प्रतीक चिन्ह में अपन देखथन तो हमार देश के, हमार भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ ला लाल रंग में जो है वो एमेर प्रदर्शित करे गए, बीच में वह प्रदर्शित है। ओकर बाद एका घेरे हुए अशोक स्तंभ ला घेरे हुए अशोक स्तंभ हमार देश ला हमार राज्य के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में धान जो है वो प्रदान करे जाते, धान से चावल के बारे में हम सुने हैं, तो और हमार राज्य ला धान के कटोरा भी कहे जाते हैं। तो हमार जिन देश है तेला हमार राज्य धान के कटोरा है, ये सुनहरा बाली में, धान के बाली में जो है प्रदर्शित करते हुए दिखाए गए। और बिजली बनाए के अगर बात कर जाए, ऊर्जा के बात कर जाए, ऊर्जा नगरी कोरबा बालकोमन के बात कर जाए, ठीक है, तो हमार राज्य है जो है वो ओखरोबर जो है वो बहुत ज़्यादा आप मन देखता नामी है। तो नीला रंग में ऊर्जा के प्रतीक ला बताए गए, ठीक है। और साथ ही साथ नदी है हमार राज्य में, बड़े से बड़े जो है वो ज़्यादा से बड़े महानदी आप नामे सुने, महानदी, ठीक है, इंद्रावती बहाते, शिवनाथ नदी है, तो ऐसे नदी मन के नाम की वजह से तिरंगा रंग में हमन लहरात हुए नदी ला देखा थन, तो पूरा समृद्धि के साथ, राज्य के समृद्धि के साथ हमन नदी, ठीक है, धान के बाली, भारत प्रतीक चिन्ह, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, 36 ठो किला और ऊर्जा नगरी, ऊर्जा राज्य, ऊर्जा उत्पादन में हमार बहुत ज़्यादा, तो हमार नीला कलर में ऊर्जा के प्रतीक ला प्रदर्शित करें। तो ये जो है वो याद रखे वाला का बात है, तो सबसे पहली प्रतीक चिन्ह में का चीज़ के उल्लेख करे गए है, 36 ठो गढ़ के उल्लेख करे गए है, अशोक स्तंभ के उल्लेख करे गए है प्रतीक चिन्ह हमार देश के, धान के बाली के उल्लेख करे गए है, और नीला रंग में ऊर्जा के प्रतीक हावे, और साथ ही साथ तिरंगे के रंग में हमला का देखे ला मिलते, नदियों के प्रवाह हमला देखे मिलते, नदी के रेखांकन हमला देखे ला मिलते, ये हमार राज्य के का है प्रतीक चिन्ह। एकर बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के प्रतीक चिन्ह के बाद अगर हम बात करें, ये प्रतीक चिन्ह की स्वीकृति जो है वो एकर भी, एकर पहली जिन भी परीक्षा होए वो परीक्षा में पूछे गए, और हर ज्ञान परीक्षा दिए बर ही प्राप्त करे जाए जरूरी नहीं है, कुछ ज्ञान ला जीवन का जिए बर, जीवन में रहे बर, जीवन में शामिल रहे बर, वही क्रम से जो है वो आगे बढ़े बर भी कुछ ज्ञान ला प्राप्त करना बहुत जरूरी होते, एक क्रम में ये चीज़ ला मैं आप मन ला बताता हूँ कि एकर जिन स्वीकृति हावे वह 4 सितंबर 2001 के हो रही पहली, ठीक है, 4 जुलाई 2001 के हमार राज्य का हर्बल स्टेट
के नाम से भी जो है वो का करेगा रही से हर्बल स्टेट घोषित करेगा रही से। ठीक है, अब देखता ना मन अगला जो है राजकीय प्रतीक वाक्य। तो शुरुआती समय में राजकीय प्रतीक वाक्य जन रही से वह रही से विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। ओ क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया अविश्वसनीय भारत के बात होते, तो इखर रखे गए इस विश्वसनीय छत्तीसगढ़ ओला बदल के अब का कर दिए गए हैं जिनमें आप मतलब बताया और वो हमार हो गए है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो कब ले हमन देखन एक, तो पहली जो है वो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ रही से 5 जून 2019 से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक वाक्य। ठीक है, 5 जून 2019 से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य के जो है वो का है प्रतीक वाक्य। तो ये है राजकीय प्रतीक वाक्य से संबंधित जो है वो बात होगी। एकर बाद अगर मैं बात करो राज्य के राजकीय पशु, तो राजकीय पशु जिन हमार हवा है वह का है वन भैंसा, जिला हम जंगली भैंसा भी कीथन। एकर अगर वैज्ञानिक नाम के बात करें तो ब्यूबेलस बेबेलिस जो है ये है उखर का है वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम में भी सवाल देखे ला मिलते हैं। जुलाई 2001 से घोषित करे गए ला राजकीय पशु के रूप में। एकर बाद अगर हम बात करें ब्यूबेलिस के बाद, ठीक है, अगला जन है वह राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी का है तो राजकीय पक्षी जिन हमर है वह पहाड़ी मैना है। और एकर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रेकुला रिलीजियोसा मतलब देखा बोले मम्मू जो है वो जी भाई से कांपत है। पेनिनसुलेरिस मतलब ऐसे हेवी नाम है, वैज्ञानिक नाम है, अवैज्ञानिक मन रहते एकदम हेवी। पहाड़ी मैना हमन की थन पहाड़ी मैना हमारे। अब पहाड़ी मैना जो है वो हम दिन देखता ये मैना तो सब देखे पहाड़ी मैना। ठीक है, और एकर बाद जिन है सदाबहार जितना भी क्षेत्र है वहाँ हमारे राज्य के यह मिलते जो है वो। राजकीय वृक्ष के अगर बात करें, राजकीय वृक्ष के अगर बात होते तो हमन ला पता है सबसे बड़े हमार विशाल जिन है वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगभग एक तिहाई क्षेत्र में फैले हुए वृक्ष के बात होते। अब वो वृक्ष है हमार साल। तो साल वृक्ष सबसे ज़्यादा जहाँ पाए जाते वो है बस्तर जिला है। और यही नाम से बस्तर जिला ला का कहे जाते तो साल वन साल वृक्षों का द्वीप कहे जाते हैं। ठीक है, तो साल वृक्षों के द्वीप के नाम से बस्तर जिला जो है वो जाने जाते हैं, कहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ साल वृक्ष मिलते। ठीक है, ये हो गए राजकीय वृक्ष के बारे में। अगला अगर हम बात करें तो एकर बाद हमार जो हवा है वो हवा है राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा राजभाषा हमन सब जानथन छत्तीसगढ़ी बोली के रूप में प्रयोग हो हमारे राज्य में सबले ज़्यादा। अव अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्र में अव अलग अलग बोली जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ विख्यात हवा है। मगर छत्तीसगढ़ी एकरे बार एका हमन बात करते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के भी बात करवो। ठीक है, देवनागरी लिपि से लिए गए ये जो बात होते छत्तीसगढ़ी भाषा के ओकर लिपि देवनागरी है। राजभाषा दिवस मनाए जाते 28 नवंबर। ठीक है, ये महीना में 28 तारीख के का मनाना है तो राजभाषा दिवस मनाना है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा राजकीय भाषा एक बनाए रहे बर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की अगर मैं बात करूँ तो 28 नवंबर 2007 के छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 पारित करेगी। और फिर ये विधेयक ला अधिनियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करेगी 11 जुलाई 2008 के छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007। उखर बाद राजभाषा आयोग के गठन करेगी। राजभाषा आयोग के गठन हुई अगस्त 2008 के कार्यालय में जो है वो हमारे हुई कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो है वो 14 अगस्त के मनाया जाते हैं। राजभाषा दिवस 28 नवंबर के काहे मनाए जाते तो 28 नवंबर 2007 के ही ये विधेयक ला पारित करे के बात करे गई से एकर नाम से ओला राजभाषा दिवस के रूप में मनाए जाते। आयोग के द्वारा कुछ योजना भी हमन देखथन जैसे कि कोई भी छत्तीसगढ़ी भाषा में पुस्तक लिखे जावत है, ठीक है, कोई गीत लिखे जावत है, ठीक है, ये सब चीज मन ला संग्रहित करके रखे बन। जैसे हमन अभी अब धान लुवाई के समय चालू हो गए, आज 1 नवंबर ले धान खरीदी के भी बात हुआ थे तो ओका हमन का करथन जिन वर्ष भर खाए बर धान ला सुरक्षित रूप से रखथन जिन जगह में तेला हमन का कहथन कोठी कहथन। तो वही तरीके से ए भाषा के भी एक का बनाए गए है माई कोठी योजना बनाए गए। ओकर बाद धान अभी अच्छा हो इस तो जिन
धान जेन खेत के धान है बहुत ज़्यादा अच्छा हुई ओकर एक आध दू बोरी कोनो में रख लेबो, काहे रख लेबो बीजा बना के ताकि फिर ओका उपजाए जा सके वही चीज़ ला। तो कुछ नवा नवा शब्द जब मिलत जाते काहे हर चीज़ के खोज चला थे कोनो कोनो क्षेत्र में जा जाके मिलत जाते तो ओकर बार हमन बीजा योजना के बात करते हैं संभाल के रखे हैं वो सब शब्द मन ला बीजा योजना के बात होते यू सवाल में देखे ला मिलते। अगर अध्यक्षता के बात की जाए करे जाए आयोग के तो तीन अध्यक्ष एकर बात होते। प्रथम अध्यक्ष पंडित श्याम लाल चतुर्वेदी जी 2008 से 2011 तक। द्वितीय अध्यक्ष जिन रही से श्री दानेश्वर शर्मा जी 2011 से 2013 तक। तृतीय अध्यक्ष विनय कुमार पाठक जी 2016 से 2018 तक। वर्तमान में जिन सचिव हवे ओकरे द्वारा अध्यक्ष कार्यभार हवे। प्रथम सचिव की अगर बात करें तो पंडित श्री डॉक्टर सुरेंद्र दिबे जी प्रथम सचिव। वर्तमान सचिव की अगर बात करें तो डॉक्टर अनिल भदपहरी और अभी कार्यभार इंखरे अंतर्गत हवे आयोग के जो है वो। ये आयोग ला गठन काहे करेगी इस उद्देश्य तो बहुत जरूरी है एक जानना हमन ला। तो सबसे पहले अगर मैं आप मन ला बताऊँ मुख्य उद्देश्य का कर ही से तो ये ला राजकाज के भाषा बनाना है। राजकाज मतलब राज के अंदर जितना भी काम हुआ थे वो काम ला करे बर एक भाषा के प्रयोग करे जाए छत्तीसगढ़ी ला उपयोग करना। और आप मन बहुत पहली से जाना था कि त्रिभाषीय भाषा के प्रयोग करे के बात करे जाते शिक्षा में। वो त्रिभाषीय भाषा के जिन प्रयोग करे के बात करे जाते उनमें एक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होते एक आप मन के हिंदी भाषा होते एक आप मन के अंग्रेजी भाषा होते। तही मातृभाषा के रूप में त्रिभाषी पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग करे के बात से उद्देश्य से ये आयोग के गठन करे गए। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में एक विशेष दर्जा प्रदान करे बर ए आयोग ला जो है वो का करे गए गठित करे गए। तो एक आहे राजभाषा से संबंधित बात है तो राजकीय भाषा जिन हमारे है वो का है छत्तीसगढ़ी। एक बाद अगर हम बात करें तो राजकीय गीत छत्तीसगढ़ राज्य के गीत आप मन जो है वो सुने हो हाँ अभी चलते हर जगह माँ ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के राजगीत के बात होते अरपा पैरी के धार आप मन की था ठीक है और सुने हम राजकीय गीत एलर बनाए गई ठीक है। और अरपा पैरी के धार जिन हैं वो ओकर रचयिता कौन है तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हवा। एक बारे में कुछ और तथ्य जानथन जैसे कि अगर हम बात करें अरपा पैरी के धार महानदी है अपार एक रचयिता अगर हम बात करथन तो कौन हवा तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हवा। एक बाद अगर हम बात करें एक जो है एक घोषणा कब हो रही से कि एक राजगीत बनाना है तो 3 नवंबर 2019 की हो रही से। मगर अधिसूचना की अगर बात करें तो अधिकृत अधिसूचना 18 नवंबर के आ रही से 2019 की ठीक है। तो ए हो गया आपन के अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। अब ए जेन राजगीत हवा है ये राजगीत में भी कुछ सवाल हमको देखे मिल जाते कि भाई कौन कौन सा नदी से संबंधित एमा जिक्र हो है उल्लेख हो है कौन जिला मन के उल्लेख हो है तो का हमन देखते हैं। तो आप मन देखा है मैं जिसे है तो सुरीला आवाज में तो नहीं अभी गला भी बैठे हैं मगर फिर भी एक बार हम कोशिश करते हैं जिसे ठीक है राजगीत है पूरे सम्मान के साथ। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। तेमा चार नदी के नाम है अरपा है पैरी है ठीक है महानदी है और इंद्रावती है। अरपा गौरेला पेंड्रा मलवाही अब जिला के हम बात करते हैं ओकर पठार कोडरी खोंगसरा के बात करते हैं जी हला निकलते और निकलते हुए जो है वो बिलासपुर जिला में पूरा बहते बहते जो है शिवनाथ नदी में जाके जो है वो मिल जाते। ओकर बाद पैरी नदी के बात होते गरियाबंद से हमन बात करते हैं पैरी नदी ला ठीक है एहूँ महानदी में जाते आप मन जानता। ओकर बाद महानदी सबसे ज़्यादा बड़े अगर नदी के बात करे जाते बहे के मामला में नहीं यहाँ ले उद्गम होए के मामला में सिहावा पर्वत से निकल के उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी में जाके मिले के बात होते महानदी के बात होते। ओकर बाद इंद्रावती और पखारे तोर पैया का ठीक है। तो पखारे तोर पैया मतलब आप मन देखा है यहाँ दंतेवाड़ा बस्तर में जो है वो उड़ीसा तिले निकलत हुए पूरा दंतेवाड़ा और बस्तर में जो है वो बहत हवा और दंतेवाड़ा में जाके मिलत हुए। तो ये जो है वो हमार नदी के जो है वो कैसे बात जिक्र करे गए राजकीय गीत में आप मन देखा वही तरीके से आगे जो है वो आप मन देखा जिला के भी जिक्र करे गए ठीक है। ससम्मान अगर हम बात करें रायगढ़ जिला ठीक है रायगढ़ जिला हवा मौरे मुकुट
मोर मुकुट लगते तो आप मन कलगी ऐसे खोचे रही था, देखता मोर मुकुट ऐसे निकले रही थे, एती बार रायगढ़ जिला के बात हुआ थे। फिर क्या कहा थे, सरगुजा और बिलासपुर के बहिया, सरगुजा और बिलासपुर के बहिया, ठीक है। तो सरगुजा और बिलासपुर आप मन एमर बिलासपुर देखता, सरगुजा देखता, ठीक है। ओकर बाद आप मन के है रायपुर कन्हा, कन्हा सही रायपुर, तो ये रायपुर दुर्ग के बात होते, ठीक है, कन्हा सही रायपुर है। और दुर्ग बस्तर, ठीक है, दुर्ग एति दुर्ग हवा एति बस्तर है, पैजनिया के बात करते, ठीक है। ओकर बाद हमार का है तो नांदगांव नवा करधनिया, तो नांदगांव हमार है, करधन है, कन्हा में करधन पहने हैं। आप मन रायपुर है का है कन्हा है, तो राजनांदगांव करधन है। और हम सब पाँव परन, ठीक है, हमार भुइया के, हमार माता के आवाज, ये हमार राज के, हमार माता के महतारी के स्थापना दिवस जो है वो हमन मना था 1 नवंबर 2000 के। 44 साल तक अपन माई के कोरा में रही से मध्य प्रदेश में, तहाँ ओकर बाद 1 नवंबर 2000 ले हमें राज्य के गठन के बात करथन। वही क्रम में एमा अलग अलग चिन्ह और चिन्हारी बनाए गए, जेमा से एक छत्तीसगढ़ राज्य के गीत हवय अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी, ठीक है। घोषणा 3 नवंबर 2019 के, अधिकृत अधिसूचना 18 नवंबर के, 4 नदी के वर्णन है। और वो नदी का कहा है अरपा पैरी महानदी इंद्रावती। और अगर हम बात करें 7 जिलों के उल्लेख है, 7 जिलों के उल्लेख में अगर हम बात करें रायगढ़ सरगुजा बिलासपुर रायपुर दुर्ग बस्तर राजनांदगांव है, ठीक है। हमन बात करथन अगला जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र के आकृति के, तो ये जो राज्य के मानचित्र हवय एकर जो आकृति हवय ए हा काखर से मिलते, सी हार्स की थे, बोला समुद्री घोड़ा कहा था, तो सी हार्स की थे। और हिप्पो कैंपस, ठीक है, हिप्पो पोटोमस नहीं, हिप्पो कैंपस के नाम से एक जाने जाते, ये हमारे मानचित्र के जो है वो आकृति हवय। ये सब जो रही से हमारे राज्य के चिन्ह और चिन्हारी से संबंधित जो है वो चर्चा रही से। आप सभी मन ला ये चिन्ह और चिन्हारी से संबंधित सब जो चर्चा रही वो समझ आई सो है, समझ तो आना ही चाहिए, नहीं समझ आई सो है तो समझे के कोशिश करिए, हमरे राज के चिन्ह और चिन्हारी है, नहीं तो फिर का हो जाए। आप सब मन ला पता है मीर अली मीर साहब के नंदा जाए, तो नंदावय मन एक बार याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नवा छत्तीसगढ़ ला गढ़े बर, छत्तीसगढ़ ला पढ़े बर इनफिनिट क्लास से जुड़े रह, ठीक है। चैनल ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक करो और अपन संगी मन लंग शेयर करो, जेकर से हमार राज्य के सारा जानकारी ला आप उनके संगी मन भी जो है वो जान सकें। और ये राज्य के जेन भी जानकारी हवा है वो कोनो जगह नंदावय मत, मुंदावय मत, और यही तरीके से प्रसारित होत रहे। जोहार, जय छत्तीसगढ़, मिलथन अगला वीडियो में।